गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नाउ हियर आई एम विथ न्यू लेक्चर एंड सो वी वर डन आवर टू लेक्चर ना. ओके सो वी वर डन आवर टू लेक्चर इन विच वी हैव फिनिश दैट सम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वीड्स एंड सम डेफिनेशंस ऑफ वीड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स. ओके And our second lecture, we were started with some harmful and beneficial effect also. So we have already completed our theory chapter in our syllabus. So in next, today I gave you lecture on classification of weeds. Okay. And so our today's topic is classification of weeds. So yeah, I have given the class and moving on to the next slide. What is that? Yeah, okay. So our today's topic is classification of weeds. So there are some classification and under various category. So basically क्या होता है ना, weeds को बहुत सारे वीड्स को बहुत सारी कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है. सो आप कह सकते हैं कि वीड्स हैव बीन क्लासिफाइड इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट न्यूमेरस पैरामीटर यू नो डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट न्यूमेरस पैरामीटर के हिसाब से वीड को क्लासिफाई किया गया है. सो मैनी टाइम यू नो मैनी टाइम क्वेश्चंस इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक. सो यू डू रिमेंबर एंड लिसन वेरी केयरफुली. सो देयर आर सम क्लासिफिकेशन सो या सो विच वी लिस्टेड आउट एंड या सो पहले ही मैं बता देती हूँ. सो बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन ऑन्टोजेनी and based on the ecological affinities, based on the soil type, based on the place of occurrence, and based on the origin also in the world. And the next, based on the cotyledons number, some cotyledons, some kind of leaves structure, ठीक है मैं बताऊँगी क्या है. and based on the soil pH, बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजी कि मॉर्फोलॉजी में वो कैसे हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं, उनका बाहर का स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप के वो दिखाई पड़ते हैं. एंड बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ दी स्टेम, किस टाइप का स्टेम है उनका, किस टाइप का वीक स्टेम है, किस टाइप का स्टेम है, हॉलो स्टेम है या फुल स्टेम है, ये है इसमें. एंड बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिसिटी, किस टाइप के वीड्स हैं उसके हिसाब से. एंड बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजिशन एंड प्रेफरेंस ऑल्सो. एंड लास्ट वन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड न्यूट्रिशनल हैबिट. ठीक है सो आउट ऑफ यू नो आउट ऑफ 250,000 स्पीसीज वीड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 250 स्पीसीज. ओके विच आर प्रोमिनेंट इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सिस्टम. सो अंडर वर्ल्ड कंडीशन अबाउट इज अबाउट ना इट्स नॉट एग्जैक्ट डेटा इज अबाउट अप्रॉक्सीमेट इज 30,000 स्पीसीज इज ग्रुप्ड एज वीट कैटेगरी यू नो कि क्या है 30,000 बहुत सारी प्रजातियाँ हैं हमारे प्लांट्स की. ठीक है हमारे बायोलॉजी में हमारे बॉटनी में बहुत सारी प्रजातियाँ हैं प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज हैं प्लांट्स के. सो उसमें से कुछ स्पीसीज जो हैं उनको कैटेगरी क्या दे दी गई है वीट की कैटेगरी में. अबाउट 30,000 स्पीसीज को वीट्स कहा गया है. तो कुछ टाइप के वीट्स वो नेटिव भी हो सकते हैं मतलब कुछ टाइप के ऐसे वीट्स जो हमारे जगह के लिए हो सकते हैं वो वीट्स हो पर दूसरी जगह पे उसे एज अ फूड यूज़ करते हैं. ठीक है तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मतलब किस टाइप के वीट्स हैं और आप कैसे रेफर करते हैं उसे. ठीक है ओके मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन. ठीक है व्हाट वी कॉल ऑन्टोजेनी. ठीक है ऑन्टोजेनी भी कहते हैं लाइफ स्पैन को. सो लाइफ स्पैन को बेसिकली थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एंड द फर्स्ट वन इज एनुअल एंड द सेकेंड वन इज बाइनियल एंड द थर्ड वन इज पेरेनियल. सो वी टेक वन बाई वन एंड फर्स्ट वी टेक एनुअल वीड्स. ठीक है
व्हाट इज एनिमल बीड्स, यू नो बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन क्या होता है कि उनके किस टाइप के उनका नेचर है, कितनी दिन तक कि वो अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, कितने दिन तक जीवित रहते हैं, किस टाइप की उनकी प्रक्रिया चलती है, फ्लावरिंग होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, फ्रूटिंग होती है, इसके हिसाब से बीड्स को जो है वो कैटेगरी में रखा गया है। तो पहले हम लाइफ स्पेंड के कैटेगरी को स्टडी करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज एनुअल बीड्स। सो व्हाट डू यू मीन एनुअल बीड्स, क्या मतलब है एनुअल बीड्स का, क्या समझते हैं आप एनुअल बीड्स से? सो एनुअल बीड्स इज रेफर्ड एज यू कैन से सीजनल बीड्स ऑल्सो, ठीक है। सो बीड्स दैट लीव ओनली फॉर अ सीजन और अ ईयर एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन दैट सीजन और ईयर इज कॉल्ड एज एनुअल बीड्स, इज सिंपल इज दैट। एंड सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि क्या होता है, यूजुअली जर्मिनेशन ग्रो एंड प्रोड्यूस सीड विद इन अ सीजन और विद इन अ ईयर इज रेफर्ड एज एनुअल सीड, यू कैन ऑल्सो से दैट, ठीक। कि कुछ ऐसे सीड्स हैं जो जनरली एक साल या एक सीजन के अंदर में ग्रो करते हैं और मर भी जाते हैं, उनको एनुअल वीड्स की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। सो दीज आर सम स्मॉल हर्ब्स विद शैलो रूट्स एंड वीक सिस्टम, ठीक है, सॉरी वीक स्टेम, ठीक है। क्या होता है, ये हर्ब्स छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे साग होते हैं वैसे ही छोटे छोटे इनके पौधे होते हैं और बहुत शैलो रूटेड होते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं सॉइल के अपर सरफेस में ही फैले हुए रहते हैं, डीप रूटेड नहीं होते, ठीक है। और वीक स्टेम होता है, वीक स्टेम में भी स्टेम की भी कैटेगरी होती है कि किस टाइप का स्टेम है, हॉलो स्टेम है, फुल फिल स्टेम है या कंडेंस कॉम्पैक्ट स्टेम है। तो इनके जो स्टेम होते हैं जो एनुअल वीड्स की कैटेगरी में आते हैं, वो जो होते हैं स्टेम जो होते हैं उनके, वो वीड होते हैं। प्रोड्यूस सीड इन प्रोफ्यूजन एंड द मोड ऑफ प्रोपिगेशन इज कॉमनली थ्रू सीड्स। After seeding, the annuals die away and the seeds germinate and start the next generation in the next season or year following. The examples are okay. तो क्या होता है कि ये जो सीड है इनका जो प्रोपोगेशन होता है, इनकी जो बढ़ोतरी होती है सी, वो किसके थ्रू होती है, बीज के थ्रू होती है, ठीक है। बीज के थ्रू ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, सीडिंग होती है इनकी, ये बढ़ते हैं और एक सीजन के बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। फिर उनके सीड जो हैं वो अगले नेक्स्ट सीजन में ग्रो करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं, रेगुलरली ये जो प्रोसेस है बीड्स के ग्रो करने का, जर्मिनेट करने का, पौधे बनने का और मर जाने का, ये लगातार चलते रहता है। सो देयर आर सम एग्जांपल, सो वी हैव सम एग्जांपल। So first one is monsoon annual. So we have some example for monsoon annual is Camelina bengalensis and Borrevia erecta is. And the second one is winter annual. So we have example of winter animal is Chenopodium album. Okay. And the summer annual weed is also. So some examples are Amaranthus viridis. Amaranthus viridis species के जो weeds होते हैं वो आपके क्या बोलते हैं summer annual weeds में आते हैं। And some kind of Dioxaria and arvensis, Dioxaria arvensis species के जो weeds होते हैं वो summer annuals में आते हैं, ठीक है। So I have given more than two examples, no? So why I had gave you, because this is very essential and ये आपके exams में पूछे जाते हैं बार बार, frequently आपके exam में पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन से example हैं, monsoon annual के कौन से example हैं, winter annual के कौन से example हैं। और जो monsoon, winter और summer के examples याद हैं तो आपको annual weeds के example याद हैं, इन्हीं को आपको annual weed के example में write down करना है, ठीक है, ओके। And moving on the next slide, what is, so okay, there are some pictures I have showing you, so you okay, and you look at them very carefully,
सो यू कैन आइडेंटिफाई ईजली, एंड जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप उसको ईजली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो ये एग्जाम्पल्स है एनिमल बीज के. द फर्स्ट टू आर सम एनुअल मॉनसून बीड्स एंड द बिलो वन इज सम विंटर बीड ऑल्सो जीनोपोडियम एल्बम. एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके सो सेकेंड वन इज बाइनियल बीड्स. ठीक है. सो बाइनियल बीड्स एज नेम रेफर बाइनियल मीन्स बाई सीजनल बीड ऑल्सो यू कैन से दैट. एंड एज नेम सजेस्ट इट कम्प्लीट्स द वेजिटेटिव ग्रोथ इन द फर्स्ट सीजन फ्लावर एंड सेट सीड्स इन सक्सीडिंग सीजन एंड देन डाइज. ठीक है. तो क्या होता है ये जो है वो बेसिकली दो सीजन में अपने आप को स्थिर रखते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं. दो सीजन में अपने आप को बनाए रखते हैं. अब वो चाहे दो सीजन आपके कैसे भी हो सकता है वो रेनी सीजन में उगे और रेनी सीजन में रहे और विंटर सीजन में रहे समर सीजन तक मर जाए. हो सकता है विंटर में उगे और विंटर सीजन में रहे समर सीज़न में रहें और रेनी सीज़न तक के मर जाएँ. तो ये प्रोसेस जो होता है वो दो सीज़न के लिए हमेशा चलते रहता है. दीज आर फाउंड मेनली इन नॉन क्रॉप्ड एरिया. तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो बैरन लैंड में पाए जाते हैं. बेसिकली ये नॉन क्रॉप्ड एरिया मतलब जहाँ हमारे क्रॉप्स नहीं उगते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं ये पाए जाते हैं. ठीक है. तो ये होता है बाइनियल वीड्स. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. And we have some example that Alternanthra echinata and Deccus carota is examples of biennial weeds. So yeah, the name are very typical to pronounce, but yeah, you can practice and practice se wo pronunciation bhi theek ho jayega. And the third one is perennial weeds. So perennial weeds, what perennial means? तो बेसिकली क्या होता है मल्टी यू कैन से मल्टी सीजनल वीड्स ना. मल्टी सीजनल मतलब जो क्या करते हैं वो बहुत दो सीज़न में या दो से ज़्यादा सीजन में अपने आप को बनाए रखते हैं. तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो पेरिनियल वीड्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. तो क्या होता है पेरिनियल लीफ लाइफ फ्रॉम मोर दैन टू ईयर एंड मे लाइफ ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली. ठीक है. तो क्या होता है ये बताया मैंने कि ये होता है कि दो सीज़न में रहते हैं या कभी कभी क्या होता है मोर देन टू ईयर दो ईयर से ज़्यादा हो सकते हैं. दो सीज़न में होते हैं दो सीज़न से ज़्यादा हो सकते हैं या कभी कभी दो साल तक के रहते हैं. तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो क्या होता है वो पेरिनियल के कैटेगरी में आते हैं. तो आप क्या कह सकते हैं मतलब इसे सिंपल वे में आप क्या कह सकते हैं दो दे ग्रो फॉर मोर देन टू ईयर is referred as perennial weeds you can say that. ठीक है. so they adopted to withstand adverse conditions. they propagated not only through seeds but also by underground stem root and rhizomes tuber and so on. ठीक है. बहुत सारी ये क्या करते हैं बहुत ही एडवर्स कंडीशन में अपने आप को बनाए रख सकते हैं. मैंने इसे पहले जब बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने वीड्स के दिए थे तो मैंने बताया था ना कि कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को हर परिस्थिति में हर कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं ढाल लेते हैं. ठीक है. तो ये उसी टाइप के वीड्स होते हैं पेरिनियल वीड्स होते हैं बहुत ज़िद्दी किस्म के वीड्स होते हैं. उन्हें बस वहाँ पर रहना ही होता है. तो वो अपने आप को सूखे के लिए या फ्लड के लिए या जहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है वहाँ के लिए तो या एसिडिटी के लिए बहुत से सॉइल्स क्या होते हैं कभी कभी एसिड नेचर के हो जाते हैं उसके लिए बेसिसिटी के लिए. तो हर एडवर्स कंडीशन में ये अपने आप को बनाए रख सकते हैं. तो उस टाइप के जो वीड्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. और यूजुअली क्या होता है ये जो है इनका जो प्रोपोगेशन होता है सीड से तो होता ही है. ठीक है. और सीड्स के अलावा क्या होता है स्टेम होते हैं रूट्स होते हैं राइजोम्स होते हैं और ट्यूबर होते हैं. इन सब से भी इनका क्या होता है प्रोपोगेशन होता है. ठीक है. सो सिंस दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एज वी कैन सी सो फर्स्ट वन इज ओके सो पेरिनियल फर्दर क्लासिफाइड इनटू सम सिंपल पेरिनियल. सो प्लांट्स प्रोपोगेटेड ओनली बाय सीड्स एंड वी हैव दिस कैटेगरी सोन
सोंचस आर्वेंसिस इज अ काइंड ऑफ वीट जो एक सिंपल पेरिनियल कैटेगरी में आते हैं, और क्या होता है उनका जो प्रोपोगेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सीड से होता है, मतलब सीड जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और उन्हीं के जरिए दूसरा पौधा उग आता है वीट्स का, ठीक है। तो वो जो होते हैं सोंचस आर्वेंसिस इसका एग्जाम्पल है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। एंड वॉट इज सेकेंड इज वॉट बल्बस पेरिनियल, ठीक है। बल्बस पेरिनियल जो होता है वो क्या होता है, प्लांट्स विच पोसेस अ मॉडिफाइड स्टेम विद स्केल्स एंड रिप्रोड्यूस मेनली फ्रॉम बल्ब्स एंड सीड्स। सो एलियम स्पीसीज के जो वीड्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव एलियम स्पीसीज। एंड द थर्ड वन इज कॉम पेरिनियल। वट इज कॉम पेरिनियल is that plant that possesses a modified shoot and fleshy stem and reproduce through comb and seeds. In this case we have timothy ya philium prantens species ke jo weeds hote hain wo comb perennial ke category mein aate hain, theek hai। Moving on the next slide, so perennial weeds, so there are some pictures which I am showing and which we have to discuss is simple perennial sonchus arvensis जो मैंने पिछले बताया आपको अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, उसका जो पौधा होता है वो ऐसे ऐसे दिखाई पड़ता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और येल्लो फ्लावर्स होते हैं उसके। एंड जो कॉम पेरिनियल होता है वो फाइलम पेरेंटिस स्पीसीज होती है, वो इस टाइप का उसका पौधा देखते हैं। तो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ वीड्स विच आई एम शोइंग यू, एंड यू लुक एट दम वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन इजली आइडेंटिफाई इन योर फील्ड व्हेन वी आर प्रैक्टिकल। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन एंड ओंटोजेनी, सो फोर्थ वन इज अ क्रीपिंग पेरिनियल, ठीक है। तो क्रीपिंग पेरिनियल वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एज वेल एज विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्या होता है, ये सीड्स तो होते हैं, इसके अलावा जो होते हैं राइजोम से, स्टोलन से, रूट से या ट्यूबर से जो होते हैं वो क्रीपिंग पेरिनियल में आते हैं, ठीक है। तो क्रीपिंग पेरिनियल के को हम क्या कह सकते हैं, क्रीपिंग पेरिनियल क्या होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, दे हैव सम प्रोपोगेटिंग मटेरियल, यू कैन से दैट, ठीक है। तो उनके पास प्रोपोगेटिंग मटेरियल क्या क्या होता है, राइजोम हो सकता है, स्टोलन हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है या रूट्स हो सकता है। तो ये सारे जो होते हैं वो क्रीपिंग पेरिनियल की कैटेगरी में आते हैं। सो फर्स्ट वन इज प्लांट्स हैविंग अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तो ऐसा प्लांट जिसका स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, नीचे की तरफ होता है, वो राइजोम में आते हैं। एंड इन दैट केस वी हैव सोरगम हेलापेंस। सोरगम हेलापेंस इज एग्जाम्पल ऑफ राइसोम। एंड वी टेक सेकेंड वन इज स्टोलन। स्टोलन इज वॉट, प्लांट्स हैविंग हॉरिजोंटल क्रिपिंग स्टेम अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर जिनके स्टेम आ जाते हैं, ठीक है, अबव द ग्राउंड उसके ऊपर आ जाते हैं। सो इन दैट केस वी हैव साइनोडॉन डैक्टाइलॉन, जो नॉर्मल ग्रासेस होते हैं जिनको दूब बोलते हैं, दूब ग्रास हिंदी में बोलते हैं, दूब घास, ठीक है। तो जो दूब घास होते हैं उसको कहते हैं साइनोडॉन डैक्टाइलॉन, जो आपको गार्डन एरिया में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, ईजिली आपको वो मिल जाएंगे। तो वो जो स्टोलन जो मैंने बताया वो जो रहते हैं वो साइनोडॉन होते हैं, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एंड क्रीपिंग पेरिनियल में फिर और क्या आता है, वो है रूट्स, ठीक है। तो ऐसा वीड जो रूट्स के थ्रू प्रोपोगेट होता है, तो वो क्या है, वो रूट्स क्रीपिंग पेरिनियल वीड्स के कैटेगरी में आता है। सो प्लांट्स हैविंग एन लार्ज रूट सिस्टम विथ न्यूमेरस बड्स, ठीक है। तो क्या होता है, प्लांट्स एक ऐसा प्लांट जिसका बहुत ही
बहुत ही विशाल, बहुत ही एनलार्ज तरीके से उसका जो रूट सिस्टम होता है वो फैला हुआ होता है। तो या जो न्यूमेरस बर्ड्स होते हैं, क्या होता है, रूट्स जब फैला होता है ना, तो उसके रूट्स में पर्टिकुलर एक जगह पे नॉट बन जाता है, बर्ड्स बन जाते हैं, जिससे फिर रूट्स डेवलप होता है। फिर वहाँ से रूट्स डेवलप होता है, उसके बाद प्रिम्यूल टेक बनता है, प्लांट्स फिर ग्रो कर जाते हैं। तो वो बहुत ही डेप्थ में पहुंच जाता है, बहुत ही गहराई से ज़मीन से जुड़ जाता है, जिससे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस, कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस कैटेगरी के जो रूट्स, रूट जो वीड्स होते हैं वो रूट्स क्रिपिंग पेरिनियल की कैटेगरी में आते हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्यूबर्स। ठीक है, सो ट्यूबर्स, ट्यूबर्स क्या होते हैं, कंद टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कंद जो होते हैं वो एक कंद के रूप में उनका प्रोपोगेशन होता है। उनका जो कंद होता है उसको आप, उसका वो कंद कहीं छूट जाएगा या वो सूख जाता है, पानी अगर उसे नहीं मिल पाता है, तो फिर वो दूसरे सीजन में अगर उसे थोड़ा भी मॉइस्चर मिलता है तो वो फिर से ग्रो करता है। तो इस टाइप की कैटेगरी जो होती है वो ट्यूबर्स क्रिपिंग पेरिनियल की कैटेगरी होती है वीड्स की। सो प्लांट्स हैविंग मॉडिफाइड राइजोम्स अडॉप्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो जो वो उसका ट्यूबर होता है ना, जो उसका जो वो ट्यूबर होता है, कंद होता है, उसमें वो फूड स्टोर करके रखते हैं। और कभी क्या होता है, इन दैट केस अगर फूड सूख जाता है किसी वेदर कंडीशन की वजह से, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई में सड़ गया, तो उसके कुछ मटेरियल बच जाते हैं जिसमें बर्ड्स होते हैं, तो उस बर्ड्स के थ्रू वो वीड्स होता है अगले सीज़न पर फिर से बढ़ाता है, फिर से ग्रो करता है। तो ये सब क्या होते हैं, क्रीपिंग पेरिनियल की कैटेगरी में आते हैं। और क्या होता है, वुडी पेरिनियल टाइप का भी एक प्लांट होता है। तो वुडी पेरिनियल का क्या होता है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली वो ग्रो करते हैं और ओवर द सीज़न, मतलब सीज़न ख़त्म हुआ कि नहीं वो फिर से उगाएंगे, उनका सीज़न ख़त्म हुआ कि नहीं वो फिर से ग्रो उगाएंगे। तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं वो वुडी पेरिनियल की कैटेगरी में रखते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल भी है, जो है प्रोसोपिस जोलीफेरा, प्रोसोपिस जोलीफ्लोरा जो फ्लेरा जो होता है वो इस स्पीसीज़ का जो वीड्स होता है वो इस कैटेगरी में आपका आता है। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। दिस इज़ ऑल द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। व्हाट इज़ दैट, इज़ लाइफ स्पैन एंड वी आर कॉल्ड ऑल्सो ऑन्टोजनी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन पे हम और भी क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, सो थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन, लिसनिंग केयरफुली। Till then, stay, be safe. Bye-bye.